पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे, जिस तरह झारखंड देख रहे हैं लगातार रुपयों की बरामदगी हो रही है, अभी मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ से बरामद हुई इतने रुपयों के, पीएस के यहाँ से, नौकर के यहाँ से, लोग राजनीति करते हैं, विकास के लिए करते हैं, शपथ लेते हैं कि रुपये का लेन देन करने के लिए। देखिए आजकल ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि कोई पावर में आया तो लूटता ही है, खसोटता है, उसी तरह से खसोटे लूटे लोग हैं, और ऐसे लोगों को कुछ भी दंड दिया जाए कम होगा। बाबा अभी आप भी राजनीति में है इतना वक्त से, कि आपकी सादगी का असर कुछ नहीं हुआ उन लोग पर, आप भी कांग्रेस में थे? कांग्रेस में थे और हैं भी, और ये भी आप जान लीजिए कि जितना दिन थे जितना दिन है, कभी भी अगर कि एक पैसे का भी कहीं कोई आप लोगों को खबर मिला होगा तो हमको जरूर बताइएगा, मैं उसी दिन लोटा लंटा ले लूंगा और निकल जाऊंगा कहीं साधु बन करके, लेकिन मैं राजनीति नहीं करूंगा। इस तरह का कर करके आज एक भी धंधा हमारे पास हुआ हो तो कहिए, और किसी से कम राजनीति हमारी नहीं है, राजनीति जी मन किसी से कम हमारे नहीं है, 40-50 साल कम से कम हम किया है, लेकिन हमने नहीं देखा कि क्या पैसा है, क्या रुपया है और कैसे लोग लेते हैं कांग्रेस। आज बाबा 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 लोग नेता होते हैं, मंत्री पद पर होते हैं या राजनीति में किसी पद पर होते हैं, तो उनको कुछ खरीदारी करनी होती है तो दुकानदार पूरा दुकान लेकर उनके घर चले जाते हैं, आज आप अपने से खरीदारी करने दुकान पर पहुंचे। मेरा फर्ज है, पहुंचा हूं, आप पूछिए दुकानदार से कि मैं पूछा हूं एक दरी के लिए मैं आया था, जो खादी का दरी होता है ना बिछाने वाला, वही से जरूरत थी, लेकिन इनके यहां नहीं है तो अब देखें कहां मिलता है। लेकिन उसके बाद भी दो गमछे इन्होंने दिया हमको, दो लुंगी इन्होंने दिया हमको, अगर कि ये हम मुफ्त में मांगे हो तो नहीं, आपने पैसा भी दिया है अपने से निकाल करके दिया आपने जी, जबकि ये कह रहे थे कि हम ऐसे आपको दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहीं। लूटने वाले नेताओं को कुछ सीख नहीं देंगे, जो नेता लूट रहे हैं उनको कुछ सीख दे देते हैं? देखिए अभी तो गए हैं जेल लोग, जेल जा रहे हैं लोग, और कुछ मुंह देके छोड़ भी रहे हैं लोग, आखिर भी आप देखिए कि भाजपा के लोगों को क्यों नहीं कुछ हुआ है, भाजपा के लोग काहे छूटे जा रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा लोग लूट मचाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग थोड़ा सा भी गलती करते रहे तो उनको बख्शा नहीं जाता है, यही बख्शा। पार्टी को क्या नसीहत दीजिएगा कांग्रेस, कांग्रेस को क्या नसीहत दीजिएगा ऐसे लोग, कांग्रेस पार्टी को क्या नसीहत दीजिएगा? देखिए कांग्रेस पार्टी एक शब्द भी नहीं बोला है ये आलमगीर आलम का जो मामला आया है उस पर, कोई ना बोला है, राहुल जी ने ना, इंदिरा जी ने ना, किसी ने कुछ नहीं बोला है, खड़गे साहब ने भी कुछ नहीं बोला है, अगर कि बोला है तो कहिए आप, ऐसे लोगों को हम लोग साथ नहीं देते हैं। अगर कांग्रेस कमजोर कहाँ हो रही, आप बहुत पुराने लीडर हैं और कहाँ कमियां क्या देख रहे हैं कांग्रेस में जिससे कि कमजोर दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है? कमियां एक नहीं, सैकड़ों कमियां हैं। आज आप बताइए, आप एक कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी के पास मिलने के लिए गए, राहुल गांधी के लिए एक महीना बैठ जाइए, आप उस मुलाकात नहीं होगी, मिलते ही नहीं लोग, तो जनता से जो नहीं मिलेगा क्या पार्टी चलेगा? जितने भी पुराने लीडर थे, चाहे बड़े बड़े लीडर थे, वो सारे किनार कर लिए, आखिर वजह कहाँ? यही वजह है, उन लोगों का एक ही कहना था, उन लोगों का एक ही कहना था कि सोनिया जी बीमार रहती हैं, नहीं मिल सकती हैं, बात दूसरा है, लेकिन राहुल गांधी तो नौजवान हैं, इनको तो मिलना चाहिए, और उन लोगों को बात के नतीजा हुआ कोई सुनवाई नहीं हुई, और सब लोग 23G उसका नाम पड़ गया है 23G, तो वो लोग अलग हो गए। आज भविष्य कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस? हम कुछ नहीं भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस का। झारखंड में कितना सीट आ रही है?
कांग्रेस क्या झारखंड में क्या क्या इसी तरह का लोकसभा चुनाव? झारखंड कुछ नहीं है, झारखंड में जो सबसे जूनियर आदमी है जिसको कुछ नहीं गिनती है वैसे लोगों को अध्यक्ष बना कर रखा है, एक मीर करके प्रभारी प्रभारी आया, कुछ कुछ उसको पता है, सब खाली रुपया लूटने के चक्कर में है। कितना सीट आएगा झारखंड में 14 में से? नहीं कुछ कर सकते हैं, एक भी सीट नहीं आएगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री दयाल दुबे थे। बेबाक बोलना, सादगी के साथ रहना, बेबाक बोलना इनकी पहचान रही है। वही बेबाकी के साथ इन्होंने कई सवालों का जवाब दिया और साथ ही इनकी सादगी भी आपने देखा वीडियो में किस तरह दुकान पर पहुंच करके इनके द्वारा खरीदारी की गई। आज जहां देख रहे हैं कि अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं इसी राज्य के नेता, इसी राज्य के मंत्री, उनके सिपा सलार के घर से बरामदगी हो रही है करोड़ रुपये की। काश दयाल दुबे से लोग, ऐसे राजनीति करने वाले लोग कुछ सीख ले पाते। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।